हाय गाइस, आज का हमारा पाठ है सूरदास के पद। और इस पद में श्री कृष्ण जब संदेश भेजते हैं गोपियों को, तो वह संदेश वाहक यानी उद्धव जी पर व्यंग्य करती हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों कहती हैं? क्योंकि फिर वो कहती हैं कि तुम तो प्रेम के बंधन से भी दूर हो, तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं, इसलिए तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है। और तुम तो कृष्णा के पास भी रहे तो भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। तुम कैसे प्रेम के बंधन में नहीं बंधे? जिस तरह से कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है और उस पर पानी का दाग भी नहीं लगता है और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, इसी तरह से तेल की मटकी को यदि पानी में रख दें तो भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं लगती है, तुम तो वैसे ही हो। यहाँ पर उल्हाना जो है गोपियाँ उन्हें देती हैं, उद्धव जी को उल्हाना दे रही हैं कि तुम तो बिल्कुल नीरस हो, तुम तो बिल्कुल अपरस हो, तुम तो पागल हो कि तुम पर कभी भी कृष्ण के प्रेम का कुछ असर ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता? जैसे तुम मटकी की तरह हो, तुम तो पक्के घड़े हो, तुम पर पानी का एक बूंद भी नहीं ठहरता है। कहते हैं कि तुमने तो आज तक प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया, तुम तो किसी की दृष्टि को देखकर उसके रूप में नहीं उलझे, किंतु हम तो भोली भाले हैं, हम सीधी सादी हैं, इसीलिए हम तो प्रेम में उलझ गई। कैसे हम उलझ गई? जिस प्रकार से चींटियां गुड़ पर उलझ जाती हैं, चिपक जाती हैं और उससे कभी भी बाहर नहीं आ सकती हैं और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, अपने प्राण को त्याग देती हैं। इस तरह से वह व्यंग्य करती हैं किस पर? उद्धव जी पर, कि तुम तो बिल्कुल अपरस हो। फिर वह कहती है कि विरह की पीड़ा से जब वो बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं, विरह क्या होता है? प्रेम की अग्नि में वो जल रही हैं और कृष्णा से दूर हैं, तो उसे उस भावना को विरह की पीड़ा कहा है। फिर वो उद्धव जी को कह रहे हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई, हम बहुत कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं कह पाए, यानी कि हमें कृष्णा के वापस आने की आशा थी और हम अपने हर बात उन्हें बता देना चाहते थे। अब तुम ही बताओ कि अपनी मन की बात किसे कहें? प्रेम की बात हर किसी के सामने तो नहीं कही जा सकती है, और श्री कृष्ण के वापस आने की उम्मीद थी, इसीलिए हम तो हर तरह से पीड़ा को सहन कर रहे थे, लेकिन तुम जब योग का संदेश लेकर के आए हो तो हमारी ये विरह की व्यथा और भी भड़क उठी है, तेज हो गई है और हम विरह की आग में जली जा रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि जहाँ से हम रक्षा की इच्छा कर रहे थे उधर से ही योग साधना की धारा बह निकली है। चाहती होती गुहार जितही थे उतही ते धार वही, यानी कि जहाँ हम ये सोचते थे कि अच्छा कुछ होगा वहाँ से तो तुम योग का संदेश लेकर के आ गए हो और हमें ये पसंद नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि योग की जो आप संदेश लेकर के आए हो इससे हमारा ज्वाला भड़क उठी है, विरह की ज्वाला भड़क उठी है। और फिर वो कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण के लिए संसार की सारी मर्यादाओं को भी त्याग दिया था और हम प्रेम की जो उन्हें प्रेम करते थे उसके कारण हमने संसार की जितनी भी लोक लाज थी सबको हमने त्याग दिया, अब तुम ये बताओ कि हम धैर्य कैसे रखें? सूरदास अब धीर दे रही क्यों मर्यादा न लही, कहते हैं कि हम धैर्य कैसे रखें बताओ। फिर वो फिर से कहते हैं कि हम तो हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए तो कृष्णा जो हैं वो हारिल की लकड़ी हैं। हारिल एक पक्षी होता है और वह हमेशा एक लकड़ी को पकड़ के रखता है और उसी प्रकार से वो कृष्ण को अपना आधार मानती हैं और हर समय उन्हें याद करती रहती हैं। कैसे? जागते सोवते स्वप्न दिवस निसी काने काने जकरी, कहते हैं कि हम जागते सोते सपने में रात को दिन में हमेशा कृष्ण को याद करते रहे हैं, हमेशा हमारे मन में कृष्णा रहे हैं। सुनत जोग लागते हैं ऐसो जो ककरुई करुई ककरी, हमें तो आज जब तुम योग का संदेश लेकर के आए हो
इसे सुन के ऐसा लग रहा है जिससे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतों व्याधि हम को ले आए, देखी सुनी न करी, तुम ये कैसी बीमारी लेकर के आए हो। व्याधि यानी बीमारी, कि हमने तो कभी ऐसी बीमारी ना तो देखी है और ना सुनी है। हमें तो श्री कृष्ण का प्यार इतना अच्छा लगता है, उनका प्रेम इतना अच्छा लगता है कि हम तो उसी में लीन हो गए हैं और उनसे हम दूर रहना नहीं चाहते हैं। उनसे दूर रहना तुम्हें बहुत हर क्षण मुश्किल लग रहा है और हम उनको छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता के उपासना नहीं करना चाहते हैं। हम तो केवल साकार श्री कृष्ण की दीवानी हैं और उन्हें अपना मन दे चुकी हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान करेंगे तो गोपियों का एक निष्ठ प्रेम यानी एक ही के प्रति प्रेम जो है उसे हम देख सकते हैं। अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। फिर वो कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि कैसे हैं कि उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली है। अभी तो वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है और यह मधुकर हमें जो समाचार दे रहा है क्या तुम उसे समझती हो। मधुकर यहाँ पे उद्धव जी को कहा है, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, दूसरा अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, उनकी बुद्धि कितनी बड़ी है। इसका अनुमान तो इसी बात से लगा सकते हैं कि अब वो हमें योग का संदेश दे रहे हैं। योग का संदेश कि उनके जो ये संदेश भेजा है उससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये तो बहुत बुद्धिमान है। हे उद्धव, पुराने समय में सज्जन लोग जो थे दूसरों का भला करते थे, लेकिन आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने के लिए चले आए हैं। हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए और जो कौन सा मन, जो श्री कृष्ण यहाँ से चुरा करके ले गए थे। और तुम हमें कहते हो कि हम उन्हें भूल जाएं। यहाँ पर गोपियाँ तो प्रेम की रीति का पालन करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें योग का संदेश भेजा गया है, इससे उन्हें ठेस लगी है। और फिर वो कहती हैं कि वास्तव में यह तो अन्याय है। सच्चा राजधर्म उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा को कोई कष्ट ना पहुँचाए, उन्हें सताया ना जाए। श्री कृष्ण राजा होकर के गोपियों के सारे सुख चैन छीन रहे हैं और हमें दुखी कर रहे हैं। यह कोई अच्छा राजधर्म नहीं है, यह कोई छलपूर्ण नीति है। क्या कह रही है कि ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। खुद तो अनीति करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि अनीति छोड़ दो, यानी कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। राजा का धर्म क्या होना चाहिए कि कभी भी प्रजा को सताया न जाए। यहाँ पर भी करारा व्यंग्य है, कूटनीति जो है कृष्णा की उस पर गोपियाँ व्यंग्य कर रही हैं। कह रही हैं कि पुराने जमाने के लोग तो दूसरों की भलाई के लिए काम किया करते थे और तुम तो हमें योग का संदेश देने चले आए हो और इससे हमारा मन दुखी हुआ है, जो किसी भी राजा का कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग देख सकते हो और वक्रोक्ति अलंकार की छटा यहाँ पर आपको दिखेगी। गेय है, गेय यानी गाया जा सकने योग्य पद है। और इसी के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसमें बता देती हूँ कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, मैंने आपको बताया भी है व्याख्या में। और गोपियों ने किन उल्हानों से उद्धव को उल्हाने दिए, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा गया और उद्धव के संदेश ने गोपियों की विरहग्नि में घी का काम कैसे किया। इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसके साथ ही इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पे भी आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने वीडियोस बनाए हैं। और अगर आपको इसकी गाइडबुक की ज़रूरत है तो मैंने सेलर का नंबर दिया है, आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।